हेलो एंड वेलकम टू जीएस वर्ल्ड। आजकल व्हाट्सएप पे जो है एक नया स्कैम चल रहा है, जिससे जो है साइबर पुलिस और लोग बहुत परेशान हैं। इसमें आपका जो सारा डेटा हैकर्स द्वारा हैक कर लिया जाता है और सभी मीडिया आउटलेट्स ने जो है इसको अपने आर्टिकल्स में कवर किया है। तो आपने पिंक व्हाट्सएप स्कैम के बारे में अभी तक सुन ही लिया होगा। इसमें होता क्या है, इसमें यूजर के व्हाट्सएप पर जो है पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड करने का लिंक आता है और जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पे क्लिक करता है, हैकर्स द्वारा बैकग्राउंड में आपके फ़ोन में एक नया ऐप इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसे आपका सारा डेटा और आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, फ़ोटो वगैरह वो लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पिंक व्हाट्सएप स्कैम है क्या और ये कैसे काम करता है, साथ ही आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है। ऑप्शन है आपके लेरी पेज, जिमी वेल्स, ब्रायन एक्टन, मार्क जुकरबर्ग। सही आंसर वीडियो के लास्ट में बताएंगे, कमेंट में आप हमें बताएं, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। ओके, तो बात करते हैं पिंक व्हाट्सएप स्कैम है क्या। इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं इस तरह से आपके व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आएगा जिसमें नीचे लिंक दिया होगा। इसमें लिखा होता है आप पिंक व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लें, नया इसका फीचर आया है तो तुरंत अपडेट करें। और जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करके अपडेट करते हैं तो बैकग्राउंड में आपके हैकर्स द्वारा एक ऐप इंस्टॉल करके आपका सारा डेटा जो है एक्सेस कर लिया जाता है। इसमें आपके सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं, आपके सारे फ़ोटोज़, आपके वीडियोस होंगे और आपके जितने सेव पासवर्ड हैं, अपने फ़ोन में पासवर्ड सेव कर रखें, वो सारे उनके पास उनका एक्सेस पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ नया लॉगिन करेंगे तो उनको पता चल जाएगा और आपका पासवर्ड जो है वो हैक कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग आपके जो रिलेटिव हैं उनको मैसेज करते हैं आपके नाम से कि मुझे जो है पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे भेज दीजिए, क्योंकि आपके व्हाट्सएप का वो लोग क्लोन बना के भेजते हैं। तो उनको पता चलेगा कि आपने भेजा है और लेकिन होगा क्या कि वो हैकर्स द्वारा भेजा गया होगा और अगर उन्होंने पैसे दिए तो वो भी तो उनके साथ भी फ्रॉड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल फोटो वीडियो है तो वो आपके पास भेजते हैं और आपको उसके ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, ज्यादातर महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पर ऐसे केसेस आ रहे हैं। और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आप देख सकते हैं एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की गई है कि कैसे जो है पिंक व्हाट्सएप स्कैम से बचा जाए। आप ये ट्वीट देख लें और ये होता क्या है इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से आपके फोन पर एक पिंक व्हाट्सएप का एक लिंक आएगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके फोन में जो है एक वायरस इंस्टॉल हो जाएगा जो कि आपके फोन का सारा डेटा जो है एक्सेस कर लेगा। तो हम लोग बात करते हैं ऐसे फ्रॉड से आप बच कैसे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तुरंत आप जितने भी आपके मोबाइल में फेक एप्स हैं उनको डिलीट कर दें और कोई भी ऐप आप किसी फेक वेबसाइट से ना डाउनलोड करें। ऐप्स आप गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS स्टोर से ही डाउनलोड करें या फिर कोई बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट हो वहीं से डाउनलोड करें। इसके बाद अगर आपके फोन पे कोई मैसेज भेज दे रहा है, उसमें लिंक है और आपको पता नहीं अननोन नंबर से आता है, तो आप ये सोच रहे हैं कि देखें क्या है इसमें, और जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके फोन का सारा एक्सेस उसके पास पहुंच जाएगा। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या फिर आपको लग रहा है किसी ने किया, तो आप जो है तुरंत अपने फोन को जो है फॉर्मेट कर दें और अपने फोन में कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब की इंफॉर्मेशन बिल्कुल ना सेव करके रखें, क्योंकि अगर स्कैम हो गया तो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से पहुंच जाएगी क्योंकि आपके व्हाट्सएप का वो लोग क्लोन बना चुके होंगे। तो इस तरह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं और इसको आप जो है लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिससे वो लोग भी बच जाएं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो इसका आंसर है व्हाट्सएप के फाउंडर ब्रायन एक्टन, ऑप्शन सी सही है। जैन कॉम और ब्रायन एक्टन द्वारा जो है व्हाट्सएप को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया US में है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।